देखो अब कुछ टाइम से मैंने कोरियन वेब सीरीज देखनी छोड़ दी है, खासकर वो प्यार मोहब्बत वाले जिसके अंदर 16-16 20-20 एपिसोड होते हैं, किसी में तो 40 ही एपिसोड होते हैं, क्योंकि भाई साहब उतना कंटेंट वो बोरिंग वाला वो सहा नहीं जाता है और वही सेम पैटर्न होता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोरियन मूवी के बारे में, क्योंकि यार कोरियन मूवीज जो होती हैं वो काफी ज्यादा अच्छी होती हैं, उसके अंदर टाइमिंग की अगर बात करें तो 2 घंटे में खत्म हो जाती है, कोई 1.5 घंटे में खत्म हो जाती है, कोई 1 घंटा 45 मिनट में खत्म हो जाती है। तो किसी को अगर लव वाली मूवी देखनी हो तो ऑब्वियसली उस चीज को वो हजम कर सकता है उतनी देर के लिए, कॉमेडी वाली हो या फाइटिंग वाली हो या फिर कोई भी अदर जोनर की मूवी हो तो आप अच्छे से उतने टाइम में उस कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं स्टील माय हार्ट कोरियन वेब सीरीज के, कोरियन मूवी के बारे में। अगर इसका हिंदी वर्जन अगर मैं बताऊं तो गोरिया दिल चुरा के चली, या दिल गोरिया चुरा के चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। अब काफी सारे बोलेंगे अरे 2013 के अंदर ये मूवी आई है, इसका रिव्यू क्यों कर रहे हो? तो देखो मेरी प्यारी सी भोली सी जनता, चाहे मूवी पुरानी हो चाहे नई हो, अगर वो मजेदार है तो लोगों को बताने में क्या ही हर्ज आता है, और वो उसमें ऑब्वियसली उसके अंदर एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो देखने में क्या हर्ज आता है। तो बहुत हो गई बातें, अब बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। तो एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम ली है, वो एक अपराधी को ढूंढ रहा है जिसने हिट एंड रन का मामला जिसके ऊपर लगा हुआ है, और जब ये इस अपराधी तक पहुंचता है तो इसको पता चलता है कि ये अपराधी एक लड़की, और ये लड़की वही कोई और नहीं बल्कि इसकी गर्लफ्रेंड है, मतलब है नहीं हुआ करती थी, 10 साल पहले इसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मतलब 10 साल पहले इनके बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि ये दोनों अलग हो गए। तो अब ये जब इसके सामने आती है तो जहां पर ली एक तरीके से इसमें ऐसा दिखाया जाता है कि यार ये क्रिमिनल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता, ये क्रिमिनल्स को बहुत ज्यादा नफरत करता है, उन्हें राक्षस की उपाधि दे के रखता है, और जब इसको लड़की पता चलती है कि भाई ये तो तेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसको तू 10 साल से, मतलब 10 साल पहले इससे अलग हो गया था और 10 साल से इसको ढूंढ रहा है, तो अब इसके आगे अब क्या करेगा? तो लड़की का चक्कर बहू भैया, लड़की का चक्कर बहुत माड़ा होता है। तो अब इस लड़की को बचाने के लिए ये जो पैंतरे अपनाता है, कम से कम इसको सजा हो, ये क्या क्या इसके लिए वो मतलब कोशिशें करता है, और 10 साल पहले ये दोनों कैसे अलग हो गए थे, अब इनके लाइफ में अब क्या प्रॉब्लम आ गई है, इन तमाम सवालों के जवाब तो है मेरे पास लेकिन मैं नहीं देने वाला, क्योंकि आप मुझ पे स्पॉइलर का इल्जाम लगा दोगे और फिर कमेंट सेक्शन गालियों से भर दोगे, ऑब्वियसली गाली भी कहां आती है। तो अगर आपको इनके मतलब सवालों के जवाब जानने हैं तो आप जाकर मूवी देखिए, लेकिन पहले ये मेरी वीडियो कंप्लीट करके जाना। तो ये हो गई इस मूवी की कहानी, अब बात कर लेते हैं इसमें क्या अच्छा है। देखो ये मूवी जो है वो एक लाइट कॉमेडी मूवी हम इसको कह सकते हैं, डायलॉग अच्छे हैं, हिंदी डब इसकी अच्छी की गई है, मतलब एक जो नोकझोंक है, या फिर नोकझोंक तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो एक छोटा मोटा प्यार मोहब्बत आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, जो कन्वर्सेशन इसके अंदर होती है वो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। मूवी के अंदर कॉमेडी वाले सीन तो कुछ कुछ ऐसे हैं कि आप डेफिनेटली उनको वापस देखना चाहोगे, और ऑब्वियसली आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो तो आप इसको मतलब वापस करके तो डेफिनेटली देखो ही देखोगे। और इसके अलावा मूवी के अंदर इमोशनल एंगल भी रखा गया है, से ली पुलिस इंस्पेक्टर क्यों बनता है, वो पुलिस के अंदर क्यों ज्वाइन करता है, उसके पीछे कोई रीजन जो दिखाया जाता है वो इमोशनल करता है। फिर जो इसकी गर्लफ्रेंड जो इसके अंदर दिखाई गई है तो उसके पीछे भी रीजन दिखाया जाता है कि वो ऐसी क्यों है। अब ऐसी का जवाब तो मैं दे दूं, फिर वही बात आती है कि अपने शब्दों को सोच समझ कर मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप तक पहुंचती है तो वो मेरे लिए खतरा बन जाती है। तो उसका जो एक लड़की है जो उसके पीछे रीजन दिखाया जाता है, उसका पास दिखाया जाता है, उसके बिहेवियर का वो दिखाया तो नहीं जाता, मतलब वर्बली बताया जाता है, वो आपको इमोशनल भी कर देगा, मुझे तो कर दिया था। अगर बात करें परफॉर्मेंस की, हाँ तो परफॉर्मेंस भी सबकी अच्छी है। तो ये हो गई इस मूवी की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कमियां क्या क्या हैं। तो देखो अगर आप इसकी कहानी को समझ रहे हो कि बहुत बढ़िया निकलेगी, नहीं, कहानी बहुत ज्यादा एवरेज है, या फिर एवरेज से भी मैं कम कहूंगा, और 2 घंटे इसकी लेंथ है, और 2 घंटे तक यार देखो ऑडियंस इसके साथ कनेक्ट रहे ये थोड़ा हार्ड मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यार ब्रेक होता है आपका इंटरेस्ट, कहीं कहीं मूवी बोर भी करने लग जाती है, हर टाइम तो आपको हंसा नहीं सकती, उतनी कॉमेडी इसके अंदर नहीं है, या फिर इस मूवी के अंदर कोई ऐसा भी नहीं जिसमें टर्न एंड ट्विस्ट रखे गए हों जो आपको हैरान कर देगी ये मूवी, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो एक बिलो एवरेज की कहानी के साथ, हाँ बहुत कम कॉमेडी सीन के साथ, या फिर एक कह सकते हैं कि बहुत थोड़े बहुत इमोशनल एंगल भी हैं, उसके साथ ये मूवी आती है। और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस मूवी का मैं कहूंगा कि इसके अंदर जो आप ये एक लड़की जो है और जो ये ली है, इन दोनों के बीच में आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन दिखाया है, प्यार मोहब्बत वाला जो रिलेशन दिखाया है, तो इनकी जो केमिस्ट्री है वो आपको जचेगी ही नहीं, लगेगा ही नहीं कि यार ये डेफिनेटली आपस में प्यार करते हैं या नहीं, आप उसके ऊपर शक करने लग जाओगे क्योंकि उनकी वो केमिस्ट्री नहीं बन रही है, या फिर उनके अंदर वो बॉन्डिंग नहीं बन रही है, ऐसा कुछ हो पा रहा है जिसके कारण
में कहूंगा कि ये जो प्यार मोहब्बत वाली जो आधारित थी मूवी वो वीक हो जाती है केवल इस केमिस्ट्री के कारण या इन दोनों की जोड़ी के कारण। मे बी आप लोगों को ऐसा लगा डेफिनेटली वो जरूर बताना। और ऊपर से मूवी की जो लेंथ मैंने कही कि 2 घंटे रख दिया यार, उस 2 घंटे को घटा के अगर ये 1.5 घंटा करते तो हाँ कहीं ना कहीं ये मूवी हजम हो जाती। ओवरऑल अगर हम बात करें इस मूवी के बारे में तो देखो यार कहानी एकदम बिलो एवरेज है। एक लिटिल क्यूट सी आपको लव स्टोरी देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत उसके अंदर कॉमेडी देखने को मिलेगी, थोड़े बहुत उसके अंदर आपको इमोशनल एंगल देखने को मिल जाएंगे। कोई भी वल्गर सीन नहीं है, गाली गलौज कहीं पर भी नहीं है और इसके अलावा हिंदी डब भी अच्छी की गई है, बढ़िया है। मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5.5 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो डेफिनेटली आप 1 time कंसिडर कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। कोई हाँ किसिंग सीन तो है इसके अंदर। तो बस आज के लिए इतना था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।